हेलो फ्रेंड्स, माय डिस माय तड़का तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं करुंदे और चौले की फली की सब्जी। ये देखिए, जिसके लिए हमने जो सामग्री ली है वो इस प्रकार से है। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, 8-10 कलियाँ लहसुन की जिनको ग्राइंड कर लिया है, और स्वाद अनुसार नमक, जीरा और कसूरी मेथी। ये देखिए, एक प्याज जिनको बारीक काट लिया है, 2 छोटी मिर्च जिनको बारीक काट लिया है, और रिफाइंड तेल काम मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहले करुंदे को पानी में काटेंगे ताकि इसका कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इस प्रकार से के 2 पीस बना लेंगे और इसका जो बीज है अंदर का वो भी निकाल देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए इसका बीज है वो हटा देंगे और इसको पानी में छोड़ेंगे 5-7 मिनट के लिए काट कर। ये देखिए, इस प्रकार से इसके जो बीज होते हैं वो अलग कर देंगे। एक एक करके इनके सभी के बीज हैं वो निकाल देंगे और 2-2 पीस बना देंगे दोस्तों। बहुत ही इस प्रकार से मिक्स जो सब्जी है वो बहुत ही अच्छी रहती है, शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। ये देखिए दोस्तों, सभी करुंदों को इस प्रकार से 2 पीसों में काट लेंगे और इनके जो अंदर का जो बीज है वो इस प्रकार से हटा देंगे। ये देखिए, सभी के बीज हटा दिए हैं और पानी में इसको 5-7 मिनट के लिए रख दिया है ताकि इसका कड़वाहटपन है वो अलग हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से घर में निकाल लेंगे और जो अक्सर पानी है वो इसका निकल जाएगा। 1-2 मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि इसका पानी है जो अच्छे से निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, फलियों को भी इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी दोस्तों। इस सीज़न में आप भी अपने किचन में इसे आसानी से बना सकते हैं। बाज़ार में भी ये चीज़ मिल जाती है और आप अगर गांव में जाएं तो खेतों में भी आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी दोस्तों। ये देखिए, गैस ऑन करेंगे और इस पर कढ़ाई रखेंगे। सबसे पहले तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म करें दोस्तों। ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले जीरा डालेंगे और कटी हुई मिर्च, प्याज, लहसुन का पेस्ट, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और प्याज को भूरा होने तक पकाएंगे दोस्तों। ये देखिए, गैस का फ्लेम जो मीडियम रखेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है सब्जी को बनाने का। ये देखिए दोस्तों, प्याज ब्राउन होने लगे हैं और अब इसमें जो कटे हुए करुंदे हैं वो डालेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से इनको भी अच्छे से भुनेंगे तो इसका खट्टापन था वो खत्म हो गया है। ये देखिए दोस्तों, 3-4 मिनट के लिए इसको इसी प्रकार से चलाते रहेंगे ताकि जो करुंदे हैं वो नरम हो जाएं। ये देखिए, अब कटे हुए चोले की जो पीस है वो डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से धीरे धीरे चम्मच को चलाते रहेंगे और इस सब्जी में पानी नहीं डालेंगे दोस्तों। ये सूखी सब्जी बनेगी और बहुत ही लाजवाब और पौष्टिक सब्जी बनेगी दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से पलटे को चलाते रहेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च और धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, अच्छी खुशबू आने लगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी सब्जी बनने वाली है। ये देखिए, आज हमने 2 दिनों के लिए ये सब्जी बनाई है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी दोस्तों। इस प्रकार से आप भी अपने परिवार में
जितने व्यक्ति होते हैं उसके अनुसार आप कम ज़्यादा सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 5-7 मिनट के लिए इसको ढकेंगे और गैस का फ्लेम जो कम रखेंगे, मीडियम रखेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ढक्कन हटाकर देखते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। सब्जी लगभग बनने जा रही है। अब इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। ये देखिए, इसकी अच्छी खुशबू आने लगी है और गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है कसूरी मेथी, जो बहुत ही खुशबू के लिए बहुत ही जानी जाती है। ये देखिए, अब इसको 5-7 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, फिर सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इस प्रकार से आप भी अपने किचन में दोस्तों ये सब्जी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, करुंदे और चौलों की फलिंग की सब्जी की बनकर तैयार है। अब इसे आप रोटी, परांठे या पूड़ी के साथ में खा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये सब्जी बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगली जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अच्छा, धन्यवाद।